हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डीपीआई भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का इंग्लिश का क्लास 10th प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या क्या है ये देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए निर्देश, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न है, 70 क्वेश्चन है। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट्स का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ए बी सी डी, इसमें आपको एक सही उत्तर देना है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो आप लोग लास्ट में अपना टोटल स्कोर बता सकते हैं कि आज आपने इसमें टोटल कितना स्कोर किया है। इसमें आपको ग्रामर, अनसीन पैसेज और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एकेडमिक एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपकी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। इस पिक्चर में जो दिया हुआ है उसका आपको एक वर्ड बताना है कि ये क्या है। ये वॉल्फ है, रैट है, क्रोकोडाइल है या फिर मंगूज है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है आपका, मोंगूज है ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ टेरिबल मींस वेरी बैड तो विच ऑफ दीज मींस वेरी फनी। टेरिबल का मतलब यदि वेरी बैड है तो वेरी फनी का आपको मीनिंग बताना। सीधा सीधा ये आपको एक मीनिंग पूछा गया है कि इनमें से किसका मींस वेरी फनी से होता है, लाफ, हिलेरियस, सीरियस या फिर सिली। तो वेरी फनी का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, हिलेरियस। और ये आपका एडजेक्टिव है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको अंडरलाइंड वर्ड किस से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर जो आप रिप्लेस करेंगे वो वहां पर ऑप्शन है आपका फ्रेजल वर्ब, तो आपको बताना है करेक्ट फ्रेजल वर्ब चेंज्ड की क्या होगी। प्रियाज डॉग चेंज्ड हर कैट अक्रॉस द गार्डन। रेन आप रेन बिफोर, रेन आफ्टर, रेन टुगेदर या रेन अवे, क्या होगा राइट आंसर। चेंज्ड मतलब क्या होता है आपका, पीछा करना। और रन आफ्टर मींस भी होता है पीछा करना, किसी के पीछे दौड़ना, ठीक है। तो करेक्ट फ्रेजल वर्ब है आपकी ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहां पर कि विच ऑफ दीज वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस बिलो। यानी कि यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है उसका करेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। यस ही डज। अब यस ही डज का राइट क्वेश्चन क्या होगा आपको क्वेश्चन बताना है। ध्यान रहे इंग्लिश में क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। यस नो टाइप क्वेश्चन में आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच वर्ड में आपका डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यस नो टाइप क्वेश्चन में केवल इंफॉर्मेशन लेने या इंफॉर्मेशन देने के लिए यस नो टाइप क्वेश्चन यूज होते हैं। तो यस ही डज, अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट है आपकी एडजुलरी वर्ब लगी हुई है, इसका मतलब है सेंटेंस आपका कहां बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हु नोज टू स्विम, व्हेन डज टॉम स्विम, व्हाट डज टॉम नो या डज टॉम नो हाउ टू स्विम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है राइट आंसर, मैंने क्या कहा ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, वो कह रहा है हाँ वह है, अब क्या करता है वह जानता है तैरना जानता है, ये सारी चीजें यहां पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो डज टॉम नो हाउ टू स्विम, क्या टॉम जानता है कैसे तैरा जाता है। तो सामने वाला पर्सन कहता है यस ही डज, यस ही डज मतलब यस ही नोज हाउ टू स्विम। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है कंप्लीट द सेंटेंस, गिवन सेंटेंस इन सच अ वे दैट इज सपोर्टिंग
थॉट इज एक्सप्रेस्ड, यानी यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन फिल करना है कि ये जो सेंटेंस है इसका जो आइडिया है वो कंप्लीट हो जाए। डैश देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग देम, यानी लोग हैं उन्हें चला रहे हैं मैनेज कर रहे हैं, किन इन द ऑफिस या द कंप्यूटर क्रैश्ड या वेयर एवर देयर आर कंप्यूटर्स या कंप्यूटर्स मैन मेड मशीन देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग देम, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी, कि वेयर एवर देयर आर कंप्यूटर, जहां भी कंप्यूटर्स हैं लोग भी हैं उन्हें चला रहे हैं और उन्हें मैनेज कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहां पर लिखना है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर है 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी इस सेंटेंस को मीनिंगफुली कंप्लीट करना है। ऑप्शन में आपको यहां पर दो और लिख देता हूं, सी एंड डी दो ऑप्शन है, सी है आपका अंडर एंड डी ऑप्शन है आपका ओवर। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वी लुक्ड डैश द ग्रास विंडो टू सी हु वाज इन द हाउस। अब लुक इनसाइड, लुक थ्रू, लुक अंडर या फिर लुक ओवर, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है आपका यहां पर करेक्ट जो यूज किया जाएगा वर्ड है ऑप्शन नंबर बी, वी लुक्ड थ्रू, हमने देखा ग्लास विंडो से, ये देखा कि हु वाज इन द हाउस, घर में कौन था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और यहां पर आपको बताना है कि विच सेंटेंस कंटेंस अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग, यानी सेंटेंस में ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या कौन से सेंटेंस में ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज किया गया है जो एक दूसरे की अपोजिट है। बहुत ही सिंपल है, पहला ऑप्शन है अ वैल्यू एक्सप्लेनेशन समटाइम्स हैज द प्रेसाइज ऑब्जेक्ट ऑफ कंफ्यूजिंग पीपल, सेकंड है द क्लास परफेक्ट इंटरेस्टेड स्नेहा टू कंप्लीट द जॉब व्हेन सी असाइन द टास्क टू हर, तीसरा ऑप्शन है सी द टीचर रिवील्ड हु द रियल विनर वाज व्हेन सी अनाउंस्ड द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे, एंड फोर्थ ऑप्शन है आई वाज आस्क्ड टू मेक माय स्पीच एज शॉर्ट एंड कंसाइज एज पॉसिबल फॉर द सेलिब्रेशन ऑन द फाइनल डे। तो कौन से सेंटेंस में आपका अपोजिट पेयर ऑफ वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपके अपोजिट पेयर ऑफ वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, जैसे अ वैल्यू एक्सप्लेनेशन समटाइम्स प्रेसाइज ऑब्जेक्ट ऑफ कंफ्यूजिंग पीपल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर आपको मिलता है क्लॉज, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में राइट वर्ड बताना है कौन सा यूज किया जाएगा। तो यहां पर देखो, ही इस sprained his ankle dash playing the game of kabaddi and for since and while, तो ध्यान रहे दो सेंटेंस को हम ऐड कर रहे हैं तो ये आपका क्या बन रहा है, क्लॉज बन रहा है। कौन सा क्लॉज बन रहा है यहाँ पर, चलिए पहले देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का रूल फॉलो होगा, एंड आपका कहाँ पर यूज होता है आपका ये कोऑर्डिनेट क्लॉज में यूज किया जाता है एंड, और करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, वाइल, वाइल का यूज होगा, ही स्प्रेन हिज एंकल वाइल प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साउंड एज इन क्रीम, यहाँ पर आपको साउंड बताना है। अब देखिए साउंड यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, क्रीम, ये वाला ई का साउंड यूज हो रहा है, ग्रीड, ब्रीड, क्रैश्ड या क्लियर, कौन सा ऑप्शन है, ब्रेड है, सॉरी ये ब्रेड है। तो इसमें आपका राइट साउंड यूज हो रहा है, तो करेक्ट साउंड यूज हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर ए, ग्रीड। ग्रीड में भी आपका ये वाला ई यूज हो रहा है, दोनों के बोथ थे जो वॉल साउंड है वो सेम है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपके 44 साउंड्स होते हैं जिनमें से 20 आपके वॉयल्स हैं एंड 24 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, इस तरह से टोटल 44 साउंड्स हैं
इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए राइट वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। My friend asks me by telling my secret to someone else. My friend trusted me, यानी कि मेरा दोस्त ट्रस्ट करता है मुझ पर मेरे सीक्रेट किसी और को बता के, या बिट्रेड धोखा देता है, या फियर्ड है, या फिर हेल्प्ड होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर यूज होगा, बिट्रेड, यानी मेरा दोस्त मुझे धोखा देता है मेरे सीक्रेट किसी और को बताकर। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटेंस 11 में क्या है, रीड द सेंटेंस बिलो एंड लुक एट द अंडरलाइन वर्ड। दी डेज मैनी पीपल यूजेस कंप्यूटर टू डू देयर जॉब, इन दिनों बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं किसका, कंप्यूटर का, अपनी जॉब को करने के लिए। तो मैं पीपल यूज, इसके स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए। चूज द करेक्ट वे टू राइट द अंडरलाइन वर्ड। People has used, people use, people is using या people will use। ध्यान से देखें, people आपका जो noun है ये plural noun है। कैसा noun है? Plural noun है। यहाँ पर usage में आपका क्या लगा हुआ है, as या yes का प्रयोग किया गया है, जो कि third person singular present simple tense में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो correct answer होगा ये होगा option number B, question number 11 में, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ आपको यहां पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12, क्या है इसमें, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विच इज मोस्ट रिलेवेंट टू द सेंटेंस बिलो। अपोजिट बताना है किसका, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का अपोजिट वर्ड बताना है। एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, The things which are valuable today may be thrown away tomorrow. तो valuable का right opposite word क्या होगा, beneficial, relevant, obsolete या high priced। तो कोई चीज valuable है वो आने वाले समय में कैसी हो सकती है, इसका opposite करो, तो valuable का opposite हो जाएगा आपका obsolete। Option number C correct answer होगा question number 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डू नॉट यूज द मेडिसिन इफ द प्रिंटेड नेट बैंड इज मिसिंग और ब्रोकन। मेडिसिन का यूज मत करो यदि उस पर जो प्रिंटेड नेट बैंड है वो मिसिंग है या टूटी हुई। तो द सेंटेंस अबव कैन बी रिटन एज, इस सेंटेंस को हम और भी डिफरेंट वे में लिख सकते हैं और वो डिफरेंट वे आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है, We are not using the medicine, हम medicine का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, if the printed neck band is missing or broken, या फिर the medicine must not be used if the printed neck band is missing or broken, या the medicine cannot be used if the printed neck band is missing or broken, the medicine will not be used if the printed neck band is missing or broken। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर मॉडल एडजुलरी वर्ब से रिलेटेड रूल फॉलो करना है। अब बात हो रही है मेडिसिन की, तो भाई देखो मेडिसिन एक ऐसी चीज है वो तो कंपल्सरी है, यदि वो मिसिंग है नेटमेंट या फिर वो प्रिंटेड सही नहीं है, है ना, तो ब्रोकन है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहां पर मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। मस्ट मॉडल वर्ब के बारे में सिंपल सा पॉइंट ये है, इफ यू थिंक समथिंग इज necessary for you to do something, तो आपको वहां पर must model verb का प्रयोग करना चाहिए। या फिर आप यहां पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि it is not necessary, है ना, it is not necessary या it is compulsory not to do this thing, it is compulsory not to do this, necessary नहीं बोलेंगे, necessary में तो need चला जाता है। तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यूज करना है, मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या है, आपको यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड बताना है। आई रिमाइंडेड डैश टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। आई रिमाइंडेड मी, आई रिमाइंडेड ही, आई रिमाइंडेड देम या फिर देयर। राइट प्रोनाउन प्रयोग करना है कि कौन सा करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया जाएगा।
आई आपका सब्जेक्ट हो गया, रिमाइंडेड आपकी हो गई वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की बात क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रोनाउन के भी केस बनते हैं नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन मैं अपने आप को रिमाइंड कैसे करूंगा, नहीं होगा। ही आपका नॉमिनेटिव केस है, ये भी यूज नहीं होगा। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑब्जेक्टिव केस है आपका देन, एंड देयर आपका पजेसिव केस है, जिसके साथ ही एक नाउन आपको लिखना होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में है। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर फिल करना है राइट वर्ड जिससे सेंटेंस ये सही हो जाए। द चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज आल्सो नॉन फॉर टेंडेंसी टू टायर्ड क्विकली। यानी चीता जो पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है, वो इसके लिए भी जाना जाता है, उसकी टेंडेंसी भी है कि वो जल्दी थक भी जाता है। तो करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है, इट्स इट एंड देयर या देयर, क्या होगा राइट आंसर। चीता के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो चीता के लिए करेक्ट प्रोनाउन यूज होगा वो होगा पजेसिव केस। चीता के लिए हम प्रोनाउन बनाए तो इट, इट का यहां पर यूज हो रहा है पजेसिव केस, इट्स का राइट, इट्स राइट आंसर यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। सरला हैज गॉन टू अटेंड द स्कूल, यहां पर आपको करेक्ट स्पेलिंग यूज करना है, क्या होगा, फेस्टिवल, सेरेमनी, एनिवर्सरी या फिर प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहां पर आपकी फेस्टिवल की जो स्पेलिंग है ये रोंग है। फेस्टिवल की स्पेलिंग होती है FESTIVAL, ओके, एंड सेरेमनी की भी स्पेलिंग आपकी यहाँ पर रॉन्ग है CEREMONY, ओके, एंड एनिवर्सरी या फिर प्रोग्राम। तो आप यहाँ पर स्कूल एनिवर्सरी या स्कूल प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में है, द फुटबॉल टीम लॉस्ट हार्ट आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द गेम। यानी फुटबॉल टीम ने लॉस्ट हर्ट हुई, ये आपको इसका मीने बताना है, जब कैप्टन को चोट लगी गेम के दौरान। तो चूज द ऑप्शन दैट कन्वे द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस से ब्लू। तो लॉस्ट हर्ट का करेक्ट मीनिंग क्या है आपको बताना है, रन अवे हो गए, टुक ऑफेंस या मेड अ मिस्टेक या फिर फेल्ट डिस्करेज्ड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्ट डिस्करेज मतलब लॉस्ट हर्ट, धैर्य खो देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। के व्हेन द कार इज स्टैंडिंग स्टिल इट इज डैश स्टेशनरी, स्टेशनरी या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर सी एंड डी करेक्ट स्पेलिंग नहीं, अब आपको बताना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से। तो एक स्टेशनरी, ये जो ERY है इसका मतलब होता है जो वो मटेरियल जो आप दुकान से कॉपी पेंसिल वगैरह जो लिखने पढ़ने वाली सामग्री है स्टेशनरी कहलाती है। और एक होता है स्टेशनरी मतलब स्थिर, कोई चीज रुकी हुई है, द वाटर इज स्टैग्नेंट बोलते हैं ना, तो ठीक उसी तरह ये आपका स्टेशनरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट 19, माय आंट लिव्स इन अ हाउस ऑन अ स्टीप हिल इट वाज एन आर्डियस जर्नी अप द हिल टू रीच हर हाउस बट सीइंग अस पफिंग एंड पेंटिंग माय आंट सर्व्ड अस कूल एंड रिफ्रेशिंग लेमोनेड। यानी मेरी जो आंट है वो एक घर में रहती है कहां पर, स्टीप हिल यानी चढ़ाई बहुत सीधी है पहाड़ी पर। इट वॉज एन आर्डियस, आर्डियस मतलब होता है एडजेक्टिव है, वो यूएस सफिक्स लगा हुआ है इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कठिनाई, कठिन जर्नी होती है पहाड़ी पर चढ़ करके उनके घर पहुंचना। लेकिन जैसे ही वो हमें पफिंग एंड पेंटिंग देखती यानी हाँपते हुए देखती है, तो माई आंट सर्व्ड अस कूल एंड रिफ्रेशिंग लेमोनेड। तो ऊपर वाले सेंटेंस में आपको बताना है आर्डेस का मीनिंग क्या होता है, फन एंड एक्साइटिंग, थॉर्नी एंड
डिफिकल्ट एंड टायरिंग या वाइल्ड एंड डेंजरस। तो सिंपल है, क्या बोला मैंने यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, डिफिकल्ट एंड टायरिंग। क्वेश्चन नंबर है 20 में दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस, यहाँ पर फोर सेंटेंस हैं, चूज द राइट सीक्वेंस इन विच दीज सेंटेंसेज हैव टू बी अरेंज्ड टू रीड मीनिंगफुली। यानी कि आपको PQRS की तरीके से 1, 2, 3, 4 का सीक्वेंस बना के इसको मीनिंगफुल बना देना है। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, अनीता एंड मधु मेड पेपर बोट। अनीता एंड मधु ने क्या बनाई, पेपर बोट बनाई, कागज की नाव बनाई। नेक्स्ट डे द हाउस वाज सराउंडेड बाय रेन वाटर, दूसरे ही दिन घर के चारों ओर पानी भरा हुआ था। इट रेंड हैवली इन द नाइट, रात में बारिश हुई तेज। दे सेल्ड देयर बोट्स इन द रेन वाटर, उन्होंने बारिश के पानी में अपनी बोट को क्या किया, सेल किया। सेल मतलब होता है जो पानी में यात्रा होती है वो सेल कहलाती है। यस, पानी वाली यात्रा तो बयोट कहलाती है, लेकिन सेल मतलब होता है नाव जो चलती है वो। तो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में, देखिए कौन सा पहले हम लेंगे यहाँ पर पढ़। तो सबसे पहले बारिश होगी, तो इट रेंड हैवली इन द नाइट, रात में बारिश हुई तेज। सबसे पहले 3 आएगा तो बी एंड सी हटा देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दूसरी सुबह पूरे घर के चारों ओर क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। तो फिर आपका 2 आएगा, 3 के बाद 2, फिर क्या होगा, फिर आपका अनीता और मधु अपनी बोट बनाएगी और उसके बाद वो उस बोट को सेल करेंगी कहाँ पर, बारिश के पानी में। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। 21 में है, इच इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज अंडरलाइंड वर्ड बर्ड इज अ वर्ब। तो ही फील्स अ मिजरेबल, फील आपकी वर्ब है क्या। एंजेला इज अ प्रिटी गर्ल, द बॉयज लाइक बेसबॉल, माय सिस्टर स्लेप्ट टिल नून। कौन सा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए, ही फील्स मिजरेबल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फील आपकी यहां पर वर्ब है, मिजरेबल आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए। एंजेला इज अ प्रिटी गर्ल, वर्ब आपकी यहां पर इज है, गर्ल आपका नाउन है, प्रिटी आपका यहां पर एडजेक्टिव है। द बॉयज लाइक बेसबॉल, बॉयज आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपकी यहां पर वर्ब है, बेसबॉल आपका नाउन है। माय सिस्टर स्लेप टिल नून, तो स्लीप आपकी यहां पर क्या है, स्लीप है आपकी वर्ब। आपको बताना है कि इनमें से नहीं है, नॉट ए वर्ब, कौन से सेंटेंस में वर्ब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रिटी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि ये वर्ब है। सेंटेंस नंबर 22, चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द रियल थीप वाज कैप्चर्ड एंड इनोसेंट पीपल वर बाय द पुलिस। यानी जो रियल थीप को कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, और इनोसेंट पीपल को पुलिस के द्वारा क्या किया गया, रिलीज्ड किया गया। रेफर्ड करेंगे या रिलेट करेंगे या रिलेटेड करेंगे, क्या होगा, बहुत ही सिंपल। तो इनोसेंट पीपल को रिलीज किया गया, रिलीज्ड आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है सेंटेंस 23 के, चूज द वर्ड दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। इमरान कहता है, व्हाई डिड यू गिव मी द बुक, तुमने ये किताब मुझे क्यों दी। सिमरन कहती है, आई गेव इट टू यू, ये मैंने आपको दी, सलमा आस्क्ड मी टू, क्योंकि सलमा ने मुझसे कहा। तो सो एंड अनलेस या बिकॉज, क्या होगा राइट। तो ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन आपका वाई से हो तो आंसर में हमें बताना होता है रीजन, क्यों, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बन रहा है यहां पर, मैंने ये तुम्हें किताब दी क्योंकि सलमान ने मुझसे ऐसा कहा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के लिए आपको यहां पर यूज करना होगा कंजंक्शन बिकॉज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट सेंटेंस 24, वी अटैच्ड कलर्ड बटन टू द चिल्ड्रंस कॉलर अकॉर्डिंग टू दियर ग्रुप नेम्स, सेड द
ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर ने कहा कि हमने बच्चों की कॉलर पर कलर्ड बटन को अटैच किया हुआ है उनके ग्रुप के नाम के अनुसार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द अबव सेंटेंस। ध्यान से देखें तो हमें यहां पर समझ में आता है कि ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्ट नरेशन बनाना है, वो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन करेक्ट यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 रिपोर्टिंग बाबा आपकी ये लिखी हुई है रिपोर्टेड स्पीच, और ये है इन्वर्टेड कॉमा सभी में यूज हुए हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप है ये राइट नहीं है, यहाँ पर कॉमा यूज नहीं हुआ ये भी गलत है, ऑप्शन सी आपका राइट है और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है और अपस्टॉप का यूज भी हुआ ये भी यूज नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सेंटेंस 25 चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क, वर्ब का प्रयोग करना, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग या अवर। वेरी सिंपल, चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है और यहां पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा, चिल्ड्रन के साथ आपको आर का यूज करना, इज सिंगुलर, वाज भी सिंगुलर और अवर आपका प्रोनाउन है, पजेसिव फ्रेज, पर्सनल प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 26 चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द क्लब मेंबर्स डैश फॉर देयर क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ। प्रपेयरिंग, इज प्रपेयरिंग, हैज प्रपेयर्ड या आर प्रपेयर्ड, क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो राइट आंसर होगा ये होगा द क्लब मेंबर आर प्रिपेयर्ड, है ना, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, द क्लब मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ, किसी के द्वारा उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। लैंडलॉक्ड भूटान इज सिचुएटेड एट द ईस्टर्न हिमालयाज एंड इज मोस्टली माउंटेनियस एंड हेवीली फॉरेस्ट। प्रपोजिशन करेक्ट प्रयोग करना है ऑन, इन, एट या फिर टू। तो यहां पर देखिए द ईस्टर्न लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ जो प्रपोजिशन करेक्ट प्रयोग करेंगे ये करेंगे आप इन, इन द ईस्टर्न, है ना, इन द साउदर्न एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 28 में है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स को यहाँ यूज करना जैसे सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाए। आई कैन नॉट फाइंड माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक को फाइंड नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता, क्यों, एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट, और मैंने लुक फॉर आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सर्च्ड, ठीक है, लुक फॉर मीन सर्च्ड, यानी लुक फॉर मतलब ढूंढना। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप सबसे पहले देखें यहां समवेयर लगा हुआ है लेकिन सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, ये ध्यान रखिए सेंटेंस निगेटिव है। एनीवेयर यूज हो जाएगा, एवरीवेयर नहीं, एनीवेयर यूज हो जाएगा। आई कैन नॉट फाइंड माय नोटबुक एनीवेयर, और यहां पर क्या यूज होगा, एंड आई हैव लुक्ड इट फॉर, और मैंने इसको, अब यहां पर देखो सम लगा हुआ है, सम का प्रयोग होगा नहीं होगा, यहां पर करेंगे एवरीवेयर, मैंने इसे हर जगह ढूंढा हुआ है, एवरीवेयर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट है सेंटेंस 29 इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ, यदि तुम अभी शुरू नहीं करते हो यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, तो तुम समय पर नहीं आ पाओगे। ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है और क्लॉज कौन सा है, कंडीशनल क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज में, और फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर जिसे हम प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो टू गिव द सेम मीनिंग एज द अबव सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इफ और नॉट दोनों है, यानी इफ का यूज भी हुआ है और नॉट भी यूज हुआ है, इज इक्वल टू अनलेस, किसकी इक्वल है, अनलेस इक्वल है, ये सेंटेंस भी आपका निगेटिव है। तो यू वॉन्ट अराइव इन टाइम, तुम समय पर नहीं आ पाओगे, बिकॉज यू स्टार्ट नाउ, अनलेस यू स्टार्ट नाउ, या फिर बिफोर यू स्टार्ट नाउ, या अंटिल यू स्टार्ट नाउ। अंटिल के बाद तो एंड ऑफ द पीरियड आता है, ये यूज नहीं होगा, राइट आंसर आपको यूज करना है बी।
यहां पर लिखना है अनलेस यू स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 30, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स एज रिजर्व एरियाज फॉर ट्राइबल ग्रुप। यानी यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है इन बहुत सारे आइलैंड को रिजर्व एरिया के रूप में, किन के लिए? ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो सेंटेंस में आपको इसी सेंटेंस को आपको दोबारा करेक्टली रीराइट करना है ऊपर वाले सेंटेंस को। हम कैसे ले सकते हैं कि मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व एरियाज फॉर ट्राइबल ग्रुप्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर मेनी ऑफ दीज आइलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व एरिया, या मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर डिक्लेयर्ड या हैव बीन डिक्लेयर्ड। तो ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। अब आपको इसका बताना है राइट पैसिव वॉइस क्या होगा, उसका सेंस सेम रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सेंटेंस को देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको मिल रहा है अनसीन पैसेज, एक स्टोरी है जिससे आपको नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और उनके राइट आंसर बताने हैं। चलिए पहले स्टोरी को पढ़ लेते हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु लिव्ड इन द सिटी, जो एक शहर में रहता था, हैड टू पुट अप विद द नॉनसेंस ऑफ हैविंग बॉयज प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट आउटसाइड हिज हाउस अंडर द स्ट्रीट लाइट्स। यानी कि वह बहुत ही परेशान रहता, सो बहुत सी परेशानी होती थी जो लड़के क्रिकेट खेलते थे गली में बाहर स्ट्रीट लाइट में। कब खेलते थे? रात में, एट नाइट। वन इवनिंग, ये शाम को, व्हेन द बॉयज वर पर्टिकुलरली नॉइजी, ये शाम को जब लड़के बहुत ही ज्यादा शोरगुल कर रहे थे, ही कुड नॉट स्लीप, तो वो सो नहीं सका, सो ही वेंट आउट टू टॉक टू देम, तो वह बाहर आया उनसे बात करने के लिए। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज वेरी हैप्पी व्हेन एवर ही कुड सी और हियर बॉयज प्लेइंग हिज फेवरेट गेम। उसने एक्सप्लेन करके बताया कि वह बड़ा खुश था जब भी वह देखता था या सुनता था लड़कों को उसके फेवरेट गेम को खेलते हुए, कौन सा? क्रिकेट को। ही सेड ही वुड गिव देम 25 रुपीज ईच वीक। उसने कहा कि वह उन्हें 25 रुपए हर हफ्ते देगा टू प्ले ऑन द स्ट्रीट एट नाइट, कि रात में खेला करे। द बॉयज वर थ्रिल्ड, लड़के बहुत ही थ्रिल्ड हुए, यानी बहुत ही मजा आया, रोमांचित हो रहे। They were being paid to do something they enjoyed. यानी कि उन्हें जिस चीज़ को वो enjoy करते थे उसके लिए उन्हें पैसे मिल रहे थे, उन्हें कुछ पैसे दिए जा रहे थे। At the end of the first week, पहले हफ्ते के अंत में, they knocked at the old man's house. उन लड़कों ने क्या किया? Knock किया, दरवाजा खटखटाया उस बूढ़े आदमी का, and asked to be पेड, और ये कहा कि लाओ पैसे दे दो। ही डिड सो, उस आदमी ने उसे दे दिए। द सेकंड वीक, दूसरा हफ्ता, व्हेन दे आस्क्ड फॉर पेमेंट, दूसरा हफ्ता जब वो पेमेंट लेने गए, पेमेंट मांगा, तो ही सेड ही हैड रन आउट ऑफ मनी एंड सेंड देम अवे विद ओनली 15 रुपीज। दूसरे हफ्ते उसने मना कर दिया कि पैसे नहीं, केवल 15 रुपए हैं, और वो द बॉयज वर डिसअपॉइंटेड, अब लड़के बहुत ही निराश हो गए। But there was not much they could do about it. अब इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। The fourth week, the man said he could not afford to pay them 25 rupees as he had promised, जैसा उसने promise किया था, but would give them 5 rupees each week without fail. हर हफ्ते 5 रुपए देता रहेगा, ये बिल्कुल बंद नहीं होगा। This payment was too little for the boys. ये payment लड़कों के लिए बहुत ही कम था। You expect us to play 7 days a week for a measly 5 rupees? लड़के कहते हैं, ये मतलब वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 5 रुपए के लिए यहाँ पर हर 7 दिन यहाँ पर खेलूं? The boys then stormed away and never played on the street again. लड़के वहाँ से भाग गए और उन्होंने उस गली में कभी भी क्रिकेट नहीं खेला। अब यहां पर आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है।
सबसे पहला सेंटेंस है आपका, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट। दिन के कौन से पार्ट में लड़की क्रिकेट खेलती थी, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में या फिर नाइट में? तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नाइट में। वेयर डिड द बॉयज प्ले, लड़के कहाँ खेलते थे? फर्स्ट ऑप्शन है इनसाइड द ओल्ड मैन्स हाउस, बूढ़े घर, आदमी के घर में के अंदर, या इन द प्ले ग्राउंड नियर द ओल्ड मैन्स हाउस, या इन द स्ट्रीट आउटसाइड द ओल्ड मैन्स हाउस, या फिर इन द स्ट्रीट आउटसाइड द स्कूल। तो ये भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 33, हाउ मच मनी डिड ही प्रोमिस टू गिव द बॉयज इन द बिगनिंग व्हेन ही मेड द डील, यानी कि उसने कितना रुपए प्रॉमिस किया था लड़कों से जब डील की थी उसकी शुरुआत में? 25 रुपीज ईच वीक, या 15 रुपीज ईच वीक, या 10 रुपीज, या फिर 5 रुपीज? तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कि 25 रुपए हर हफ्ते का डील हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड दैट ओल्ड मैन रियली वांट फ्रॉम द बॉयज, बूढ़ा आदमी उन लड़कों से वास्तव में क्या चाहता था? He wanted them to play cricket on all the day of the week. वो चाहता था कि हर हफ्ते सारे दिन यहीं पर क्रिकेट खेलें। He wanted them to practice more and thus improve their game. या he wanted them to stop playing cricket near his house at night. या he wanted them to start earning while doing something they liked. तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? वो ये चाहता था कि वो बंद कर दें क्रिकेट खेलना उसके घर के आसपास रात के समय में। एंड नेक्स्ट है 35 में, हाउ डिड द बॉयज प्रोबेबली फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लड़कों को लास्ट में कैसा फील हुआ स्टोरी के अंत में? हैप्पी टू हैव अर्न मनी, या एंग्री दैट दे वर बीइंग पेड लेस, या फिर सैड दैट दे वर फोर्स्ड टू स्टॉप प्लेइंग, या फिर सेटिस्फाइड दैट दे हैड ट्रेड द ओल्ड मैन? 35 में राइट आंसर क्या है, एंग्री हुए थे कि उन्हें बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा है वहां पर खेलने के लिए। यस, नेक्स्ट एक और पैसेज है हमारे पास, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको बताना है राइट आंसर क्या होगी। पीपल आर अमेजिंग, लोग अमेजिंग होते हैं। टेक ध्रुव फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए ध्रुव को ले लेते हैं। द 25-year-old एक्टर, 25 साल का एक्टर है, हु मेड हिज डेब्यूट एज अ लीड एक्टर इन द कन्नड़ फिल्म इसे स्नेहांजलि रिसेंटली इन बोथ डीप एंड डम। ये वो क्या है, डीप भी है और डम भी है। ध्रुव वाज बॉर्न इन बेंगलोर, ध्रुव का जन्म बेंगलोर में हुआ, टू बिजनेसमैन एक्टर सुरेश शर्मा के यहाँ। He studied up to grade 12th, to inter tak इन्होंने पढ़ाई की, but dropped out of college when he found it difficult to follow his lecture. लेकिन कॉलेज में ड्रॉप आउट हो गए। He joined computer courses but wasn't interested in continuing a computer related career. लेकिन computer related career में वो interested नहीं थे। One day, एक दिन, When he accompanied his father to dubbing studio, एक दिन जब अपने पिताजी के साथ dubbing studio में गए, तो he realized he could become an actor. तो उन्हें महसूस हुआ कि वो एक्टर बन सकते हैं if he learned to move his lips according to the words of the dialogue spoken by someone else. यदि वो अपने lips को move करना सीख लें शब्दों के अनुसार जो कोई डायलॉग दूसरा व्यक्ति बोले उसको, विच इज कॉल्ड लिप सेंसिंग। नो वन टुक हिज डिसीजन टू एक्ट सीरियसली, किसी ने भी उनके इस डिसीजन को सीरियस नहीं लिया। इन फैक्ट, वास्तव में, एवरीवन ट्राइड टू डिस्करेज हिम, हर कोई उन्हें डिस्करेज करने का प्रयास, सभी ने उनको डिस्करेज करने का प्रयास किया। दे डिडंट थिंक It was possible for him to become an actor and wished to spare him the hurt and disappointment of rejection. लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ये पॉसिबल है उसके लिए एक एक्टर बनना। तो आगे क्या है,
हाउ एवर न्यू ही हैड द टैलेंट फॉर एक्टिंग, ध्रुव को पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, सो ही स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स प्रैक्टिसिंग बिफोर अप मिरर। तो उन्होंने अगले कुछ महीने मिरर के सामने, शीशे के सामने शब्दों पर प्रैक्टिस करने में खर्च किए। व्हेन ही फेल्ट ही कुड लिप सिंक क्वाइट नेचुरली, जब उसे लगा कि वो लिप से ही बहुत नेचुरली करने लगे हैं, तो ही अप्रोच्ड प्रोड्यूसर सिद्धरामु लुकिंग एट द हैंडसम यंगस्टर, उन्होंने हैंडसम यंगस्टर को देखा। द प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट, प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि इसे ट्राई करेंगे। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई ध्रुव्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स स्पीक एंड हिज सेंस ऑफ टाइमिंग इन डिलीवरिंग अ डायलॉग दैट कास्ट हिम इन स्नेहांजलि। तो ये काफी डेवलप, जो प्रोड्यूसर था वो काफी इम्प्रेस हुआ ध्रुव की उस योग्यता से कि वो अच्छी तरह से जो दूसरे लोग बोलते हैं उनको वो समझ सकता है। टाइमिंग बहुत अच्छी थी जो डायलॉग बोले जाते थे, और इस तरह से कास्ट किया ध्रुव ने किसमें, सॉरी प्रोड्यूसर ने ध्रुव को कास्ट किया स्नेहांजलि में। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ ग्रेट हीरो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दैट माई डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बिकमिंग वन। There are lots of disabled youth. I want to tell them that victory comes when one is confident of achieving it instead of cursing oneself, everyone around for one's disability. ध्रुव ने कहा कि मैं एक ग्रेट हीरो नहीं बनना चाहता, मैं केवल संसार को यह बताना चाहता हूं कि मेरी जो डिसेबिलिटी है, मेरी जो अपंगता है, वो मुझे रोक नहीं सकती एक अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए। ऐसे लैक्स ऑफ डिसेबल्ड यूथ हैं इस दुनिया में, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो विक्ट्री है, जो विजय है, वो आती है। कब आती है? जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज को प्राप्त करने का कॉन्फिडेंस होता है, बजाय उस पर कोसने के कि वो भाई डिसेबल्ड है। एवरी वन अराउंड फोर वंस डिसेबिलिटी, जो हमारे आसपास हैं वो डिसेबिलिटी का क्या करते हैं, वो कोसते हैं उन्हें। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ध्रुव अप्रोच्ड प्रोड्यूसर सिद्धरम हु डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में ट्राई हिम आउट लिखा हुआ है। आपको बताना विच एक्सप्रेशन कैन रिप्लेस ट्राई हिम आउट इन द अबव सेंटेंस। मेक हिम द हीरो, टेल हिम टू गेट आउट, लेट हिम यूज एक्शंस या गिव हिम अ चांस। तो ट्राई हिम आउट का जो राइट मीनिंग होगा ये होगा उसे एक चांस देना, एक मौका देना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 में। सेंटेंस नंबर 37, फ्रॉम दिस आर्टिकल वी कैन से, इस आर्टिकल से हम कह सकते हैं कि ध्रुव fulfilled his childhood dream of becoming an actor, या ध्रुव was confident and determined to beat his disability। ध्रुव को confidence था और determined कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अपनी जो disability है उसको हरा देगा। Become an actor because he felt it would be easy, वह actor बनना चाहता था, बन गया क्योंकि वह ऐसा महसूस करता था ये सरल है। या was offered the movie only because of his डिसेबिलिटी की वजह से उसे मूवी ऑफर की गई। कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे कॉन्फिडेंट था और डिटरमाइंड था कि वह अपनी एबिलिटी, डिसेबिलिटी को बीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द लाइकली इंपैक्ट ऑन रीडर्स आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद रीडर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो यंग पीपल विल बी इंस्पायर्ड टू बिकम फिल्म एक्टर, कि यंग पीपल इससे इंस्पायर्ड होंगे फिल्म एक्टर बनने के लिए। या फिर द ब्लाइंड विल बी इंकरेज टू फॉलो देयर ड्रीम्स, या ब्लाइंड जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, वो इंकरेज होंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। या फिर एन अवेयरनेस अबाउट फिल्म करियर विल बी जनरेटेड होगी, या फिर पीपल गिव हिम मनी टू द फैमिलीज ऑफ द डिसेबल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब ध्रुव्स स्टोरी, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ध्रुव की स्टोरी बताता है? ट्राइंग इज फेलिंग विद ऑनर, या फिर वन द सक्सेसफुल हैव फ्रेंड्स, हीरोज आर क्रिएटेड ऑन पॉपुलर डिमांड, या फिर हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, यू हैव टू टेलर इट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 39 में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड नहीं होती, इसको हमें टेलर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ध्रुव ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज, कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि ही गॉट एडमिशन इन टू अ रेपुटेड कंप्यूटर कोर्स, या हिज फादर वॉन्टेड हिम टू ज्वाइन हिज फैमिली बिजनेस, या फिर ही वॉज ऑफर्ड द पार्ट ऑफ द हीरो इन स्नेहांजलि, या फिर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चर्स वर सेइंग। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 में। पीपल डिस्करेज्ड ध्रुव, लोगों ने ध्रुव को क्या किया, डिस्करेज किया फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर एज दे फेल्ट दैट, एक एक्टर बनने के लिए, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि डिसेबल्ड पीपल डू नॉट लुक गुड एज फिल्म स्टार, या अ लॉट ऑफ मनी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर हिज ट्रेनिंग, या ही वुड फेल एंड अ रिजल्ट फील बैड अबाउट हिज डिसेबिलिटी, या देयर वर ऑलरेडी मेनी डिसेबल्ड पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 में? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि वो असफल हो जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि फील कैसा होगा उसे, उसकी डिसेबिलिटी पर बुरा महसूस करेंगे लोग। ओके, नेक्स्ट पैसेज है, इसमें आपको मिल रहा है ये पोस्टर, और यहाँ पोस्टर की हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है। और चलिए, तो कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 2008 कब होता हो रहा है? ये February 19 to 21, और ये हर साल होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होगा आपका शाम को 6:45 PM पर, एवरीडे चलेगा 19 से 21 तक, और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहले देखिए 19 February 2008 ट्यूसडे होगा, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि 19 फरवरी को क्या होगा, पंचदेव स्तुति है, कोणार्क क्रांति है, ग्रुप ओडिसी डांस है, ये ओडिशा डांस एकेडमी भुवनेश्वर, तबला यहाँ पर दिया गया है कि तबले पर कौन होगा, स्पॉन्सर्ड बाई ज्ञान प्रकाश घोष तबला फाउंडेशन ट्रस्ट कोलकाता की तरफ से, और ग्रुप भारतनाट्यम मिसेज संध्या एंड और उनके साथी हैं, कहाँ से, मुंबई से हैं। गोटीपुआ डांस होगा, ये कोणार्क नाट मंडप है ना, और 20 फरवरी को क्या होगा, वेंसडे होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें 20 फरवरी को होंगी। फिर उसके बाद होगी 21 से 21 फरवरी 2008 को ओडिसी वोकल है, ओडिसी वोकल है, ग्रुप कथक डांस होगा, ग्रुप ओडिसी डांस होगा है ना, एंड रनापा एंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर पूरे पोस्टर को अच्छी तरह से समझ लेना है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं कि नीचे क्या है, द अबव प्रोग्राम आर सब्जेक्ट टू लास्ट मिनट चेंज, यानी कि प्रोग्राम में चेंजेस भी हो सकते हैं। साहित्य उत्सव बाई इमिनेंट पोइट एंड लिटरेचर से ऑफ ओडिशा ऑन 20th and 21st February, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये ओडिशा डांस अकेडमी एंड कोणार्क नाट्य मंडप, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इन कोलाबोरेशन विद ओडिशा टूरिज्म, ठीक है, ईस्टर्न जोन एंड कल्चरल सेंटर। ये पूरा पोस्टर ध्यान से देखना। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, रीड द पोस्टर केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सी बात सही लिखी है। द कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इज अ 3-day इवेंट दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर, या द आर्टिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल बिलोंगिंग ओनली टू कोणार्क, या फिर कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल हैज पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया
या कथक एंड ओडिसी आर ओनली टू डांस बीइंग शोकेस्ड एट द कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल। कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 में? तो क्वेश्चन नंबर 42 देखो कि शुरुआत में लिखा था कि ये कब से कब तक चलेगा, 19 to 21 एवरी ईयर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ये डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल 3-डे इवेंट है दैट टेक प्लेस एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 43 में है कि ऑन विच डे ऑफ द ओडिसी डांस गोइंग टू बी परफॉर्म बाई टू पीपल, यानी ओडिसी डांस दो लोगों के द्वारा कौन से दिन परफॉर्म होगा, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या ऑन ऑल द 3 डेज या तीनों दिन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ओडिसी डांस दो लोगों के द्वारा किया जाएगा, है ना। ओडिसी डांस तो दो ग्रुप है ये लिखा हुआ है। तो कौन सी डेट है आपकी, ये 20 फरवरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ही इज गोइंग टू प्ले द तबला इन द सात्विक बीना रेस्टल। तो तबला कौन पे प्ले कर रहा है सात्विक बीना रेस्टल में, तो मिस्टर राम मिश्रा या मिस्टर सलील भट्ट या फिर मिस्टर मालर घोष या फिर मिस्टर ज्ञाना प्रसाद प्रकाश घोष। तो थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कहीं पर, तो ये देखिए ये है सात्विक बीना रेस्टल। कौन है, मिस्टर सलील भट्ट जयपुर से हैं ये। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ द नोटिस इज टू, इस नोटिस का मेन उद्देश्य क्या है, इंकरेज करना व्यूअर को कि वो पैसा डोनेट करें डांस के लिए या फिर अट्रैक्ट व्यूअर टू अटेंड दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को आके अटेंड करें या इनवाइट द डांसर्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट फॉर द पब्लिक या एजुकेट पीपल ऑन हाउ टू कंडक्ट कल्चरल प्रोग्राम। तो बहुत ही सिंपल राइट आंसर आपका यहाँ पर है, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना कि प्रोग्राम को वो आकर के अटेंड करें। तो नेक्स्ट पैसेज एक और है हमारे पास, इसको भी पढ़ते हैं और इसकी करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट। विद ड्राई लिप्स सूखे ओठ, पार्स थॉट सूखा गला, इंक स्ट्रैंड फिंगर्स अंगुलियों पर स्याही लगी हुई है, एंड एक्सॉस्टेशन ऑन वन साइड एक तरफ थकावट है, एंड एक्जल्टेशन ऑन द अदर स्वामीनाथम स्ट्रॉड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे। स्वामीनाथम अंतिम दिन परीक्षा हॉल से बाहर आया, ये स्टोरी दी हुई है आपकी स्वामी एंड इज फ्रेंड आर के नारायण जी। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ही वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल, उसे और ज्यादा कंफर्टेबल हुआ होता इफ ऑल द बॉयज हैड गिवन देयर पेपर एज ही हैड डन, यदि सभी लड़के पेपर अपने जमा कर देते जैसे कि उसने कर दिया था। 20 मिनट्स बिफोर टाइम, यानी उसने समय पूरा होने से 20 मिनट पहले ही पेपर को जमा कर दिया था। स्टैंडिंग इन द बरामदा, बरामदा में खड़ा हुआ था, ही टर्न बैक एंड लुक इन टू द हॉल, वह पीछे मुड़ा और उसने हॉल की तरफ देखा, हॉल में देखा, एंड फेल्ट स्लाइटली अनइजी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड्स बिजी राइटिंग थिंकिंग एंड रिवाइजिंग देयर आंसर। उसने देखा उसके दोस्त क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, सोच रहे थे, अपने आंसर को कोई रिवाइज कर रहा था। स्वामीनाथम सडनली विश्ड दैट, स्वामीनाथम ने ऐसा विश किया कि ही हैड नॉट कम आउट सो सून, उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, बट हाउ कुड ही हैव स्टेड इन द हॉल लॉन्गर, लेकिन वो अंदर भी कैसे रह सकता था। द लैंग्वेज पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock, ये लैंग्वेज का पेपर था जो 5 बजे तक चलना था। ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइट इन द लास्ट क्वेश्चन एट 4:30, उसने अपना लास्ट क्वेश्चन 4:30 बजे लिख लिया था। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन सेट, 6 क्वेश्चन का सेट था, ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री, पहले और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर दिया था सेटिस्फैक्ट्री दिया था, सेकंड उसका जो आंसर उसने लिखा था वो डाउटफुल था, फोर्थ ही न्यू वाज क्लियरली रॉन्ग, और जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था उसे अच्छी तरह पता था कि ये तो उसका गलत ही है।
ही टुक ओनली अ मिनट टू आंसर द सिक्स क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन लिखने में तो उसे केवल एक मिनट का समय लगा। क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन वॉज, प्रश्न था, वॉट मोरल डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर। ओल्ड मैन और टाइगर की जो स्टोरी थी उसका क्या मोरल, क्या निष्कर्ष निकलता है कि एन ओल्ड मैन, स्टोरी पढ़ते हैं, एन ओल्ड मैन वॉज पासिंग अलोंग द एज ऑफ ए पॉन्ड, एक बूढ़ा आदमी तालाब के किनारे के बगल से निकल रहा था। द टाइगर हेल्ड हिम फ्रॉम द अदर बैंक, एक टाइगर ने दूसरे किनारे से उसका स्वागत किया, हेल मतलब होता है ग्रीट किया, अभिवादन किया, एंड ऑफर्ड हिम अ गोल्ड बैंगल, और उसने क्या ऑफर किया था, गोल्ड बैंगल ऑफर की, सोने की चूड़ी टाइगर ने ऑफर की। द ओल्ड मैन फर्स्ट डिक्लाइंड द ऑफर, सबसे पहले तो ओल्ड मैन ने उसकी ऑफर को मना कर दिया। वट वेन द टाइगर प्रोटेस्टेड इट्स इनोसेंस एंड सिंसियरिटी, लेकिन जब टाइगर ने बार बार कहा और सिंसियर होकर कहा, एंड इंसिस्टेड अपॉन हिज टेकिंग द बैंगल, और विनती की कि वो बैंगल ले ले, ही वेडेड थ्रू द वाटर, तो वह पानी में उतरता है, बिफोर ही कुड होल्ड आउट हिज हैंड, वह अपने हाथ को संभाल पाता बैंगल के लिए, होल्ड कर पाता बैंगल को हाथ में, ही वॉज इन साइड द टाइगर, वो आदमी कहां पहुंच गया था, टाइगर के अंदर। स्वामी हैड नेवर थॉट दैट हिज स्टोरी कंटेंट, दिस स्टोरी कंटेंट अ मोरल, स्वामी ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि इस स्टोरी में कोई मोरल भी है, लेकिन नाउ ही फेल्ट दैट इट मस्ट वन सिंस द क्वेश्चन पेपर मेंशन्ड इट, लेकिन फिर स्वामी ने सोचा जब पेपर में आया था तो कोई ना कोई तो इसमें मोरल होगा ही। ही took a minute to decide whether the moral was, उससे केवल एक मिनट का समय लगा क्या इसका मोरल होगा। We must never accept a gold bangle when it is offered by a tiger, और एक और उसने निकाला था, love of gold bangles cost one's life, ये दो मोरल निकाले। He saw more logic in the latter, उसे दूसरा वाला बहुत अच्छा लगा, and wrote it down, और यही उसने लिख दिया अपनी कॉपी में। He tried to check his paper after, इसके बाद उसने अपने पेपर को भी चेक किया, बट बिफोर ही हैड रेड अ फ्यू लाइंस ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन की कुछ ही लाइनें पढ़ पाया कि ही वाज बोर, वह बोर हो गया। ही देन सेट हिज पेन टू वर्क, फिर उसने अपना पेन लिया, बेंट ऑन इंप्रूविंग द लिटिल डैश अंडर द लास्ट इंडिकेटेड द एंड, उसने थोड़ा बहुत डैश लगाया, कुछ इंडिकेट किया, टिल इट बिकम्स एन एलोबरेट कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, उसने पंक्चुएशन ऐसे लगा दिए कि सेंटेंस का वर्णन ही नहीं किया जा सके, कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना दिया। 10 मिनट्स हैड पास्ड, इस तरह से उसके 10 मिनट निकले। ही सॉ टू और थ्री बॉयज गिविंग इन देयर पेपर, उसने देखा दो तीन लड़के अपने पेपर दे रहे थे, गोइंग आउट, पेपर जमा करके बाहर जा रहे थे, एंड फेल्ट हैप्पी, वो खुश हुआ। ही ब्रिस्कली फोल्डेड हिज पेपर, उसने अपने जल्दी से पेपर फोल्ड किया, एंड सबमिटेड हिज पेपर टू, और अपना पेपर भी जमा करके बाहर आ। अब क्वेश्चन देखते हैं, When did स्वामीनाथम केम आउट ऑफ द हॉल, स्वामीनाथम हॉल से बाहर कब आया, 4:30 पीएम पर, 4:45 पर, या फिर कैन नॉट से फ्रॉम द पैसेज। तो देखो 4:30 बजे तक उसने पूरा कर लिया था, 10 मिनट उसे ये इम्प्रूव और रिवाइज करने में लगे, तो उसका निकल पेपर देकर के बाहर आने का टाइम था 4:40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 था, सेकंड पैराग्राफ सजेस्ट दैट स्वामी, दूसरा पैराग्राफ था उसमें सजेशन दिया गया था, सजेस्ट किया गया कि स्वामी वाज एनॉयड विद हिमसेल्फ, वह अपने आप से एनॉय रहता था, फॉर हैंडिंग इन हिज पेपर लेट, या फिर लुक्ड एंग्रीली एट हिज फ्रेंड फॉर नॉट कमिंग आउट ऑफ द हॉल विद हिम, उसके दोस्त बाहर नहीं आ रहे थे उसके साथ, या फेल्ट अनकंफर्टेबल ऑन सीइंग हिज फ्रेंड्स स्टिल आंसरिंग द पेपर, उसने अनकंफर्टेबल महसूस किया जब देखा कि उसके दोस्त अभी भी पेपर के आंसर में देने में लगे हुए थे, या फेल्ट रिलैक्स एंड हैप्पी दैट ही हैड लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल अर्ली। कौन सा राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह अनकंफर्टेबल हुआ जब उसने अपने दोस्तों को देखा कि वो अभी भी आंसर लिख रहे थे। 46 में, विच ऑफ दीज इज प्रोबेबली अ बेटर मोरल फॉर द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, इनमें से कौन सा एक अच्छा मोरल हो सकता था,
टेम्पटेशन रेसिस्टेड इन द ट्रू मेजर्स ऑफ अ कैरेक्टर, या दूसरा ऑप्शन है द वेथ्स ऑफ ग्रीड कैन रिजल्ट इन इनरिपेरेबल लॉस, या अ फूल एंड इज मनी आर सून पार्टेड, या फिर लाइफ इज नॉट वर्थ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। 49 में स्वामी चोज द सेकेंड मोरल फॉर द गिवन स्टोरी, स्वामी ने दूसरा वाला जो मोरल था वो स्टोरी के लिए चुना क्योंकि इट वॉज इजियर टू अंडरस्टैंड, या हैड अ फ्यू नंबर ऑफ वर्ड्स, या वॉज मोर रिलेशन टू हिज माइंड, या डिड नॉट हैव द वर्ड टाइगर। क्या था राइट आंसर? राइट आंसर था कि उसके दिमाग में ये रिलेशन ज्यादा कर रहा था उसके माइंड से ये वाला। ओके, नेक्स्ट है ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डैश अंडर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड टिल इट बिकम्स एन एलोबरेटिव कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। तो ये लाइन दिस सजेस्ट, इसमें सजेस्ट होता है कि स्वामी वज आर्टिस्टिक बाय नेचर, हैप्पी एट दैट टाइम, या बोर्ड एट दैट टाइम, या ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या था? तो उस समय वो बोर हो गया था इसलिए कहीं भी डैश कहीं भी कॉमा वगैरह वो लगाई जा रहा था। एक दो पैसेज को हटा करके अब हम यहाँ पर आगे शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के पास पीडीएफ होगा, आप लोग उसको पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यहाँ पर ग्रामर है, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द ऑप्शंस इज सुटेबल टू कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही है। इट इज रूड टू डैश एट पीपल हुम वी आर नॉट फैमिलियर विद, इट इज रूड ग्लैंस एट, look at, stare at, या फिर glimpse at, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इट इज रूड, और यहां पर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का सी। स्टेयर मतलब होता है घूरना। इट इज रूड टू स्टेयर एट पीपल हुम वी आर नॉट फैमिलियर विद, जिन लोगों को हम जानते नहीं उनकी तरफ घूरना बड़ा रूड होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग। आपको बताना है कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का राइट एक्टिव वॉइस क्या होगा, और इस समय ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट है? द डॉग डैश द मैन बाइट्स, बिट बाइटिंग, या फिर बिटन, वाज बिटन लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन बाइट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या रहता है? बाइट बिट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 63, विच ऑफ द वर्ड कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस करेक्टली, दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड, यानी ये टास्क इक्वली डिवाइडेड है तुम्हारे और माई सेल्फ, मी, आई, या फिर माइंड। राइट प्रोनाउन यूज करना, ध्यान दो बिटवीन आपका क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव फेस यूज किया जाता है। यू का ऑब्जेक्टिव फेस यू होगा, आई का ऑब्जेक्टिव फेस मी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 63 में। 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज सुटेबल टू कंप्लीट दैट गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सी वर्ब सुटेबल है। व्हेन रोहन वाज अ स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन एक छोटा बच्चा था, ही डैश स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट, वुड वाज शुड, या फिर यूज्ड। तो पास्ट हैबिट्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन पास्ट हैबिट्स आप दो मॉडल वर्ब्स बना सकते हैं, एक होता है आपका यूज्ड टू और दूसरी मॉडल वर्ब है आपकी वुड, ये पास्ट हैबिट्स बताती है। लेकिन यूज्ड के बाद यहाँ पर टू इन्फिनिटिव नहीं है तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यूज किया जाएगा, ही वुड स्पेंड हावर्स, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सुटेबल टू स्टार्ट द सेंटेंस बिलो, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इस सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, यानी ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट हुई हुआ मैच को बांग्लादेश के खिलाफ जो था वो, इन स्पाइट ऑफ द बेटर टीम, डिस्पाइट द बेटर टीम, या डिस्पाइट बीइंग, या फिर ऑल दो, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका यूज किया जाएगा, ये किया जाएगा यहाँ पर करेक्ट प्रोपोजिशन डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट बीइंग द टीम
बैटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर है 66 में है, विच आर्टिकल विल बी सुटेबल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ईयर, इन आई ईयर, एन ईयर, द ईयर या फिर नो आर्टिकल। तो राइट आंसर 66 में होगा इन अ ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द गिवन प्रपोजिशन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। द प्लान टू डैश 8:30 AM। यहाँ पर देखो ये है आपका टाइम, और सेंटेंस में जब टाइम होता है तो उसके पहले एट प्रपोजिशन का यूज होता है, तो ये लगा हुआ है। अब आपको यहाँ बताना है टेट के साथ कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन यूज करेंगे। सी ऑप्शन लिख देते हैं ऑफ, एंड फोर्थ नंबर का है आपका डी ऑप्शन डाउन। तो टुक अवे, टुक ऑन, टुक ऑफ या फिर डाउन। तो करेक्ट आंसर टेक ऑफ हुआ, प्लान कब हुआ टेक ऑफ, 8:30 AM पर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ब्लू। इसका राइट पैसिव वॉइस क्या बनाना, मैथ्स डज नॉट इंटरेस्ट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मी का बनाओ आई, इज आएगा आई, आई के साथ एम आएगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब क्या है आपका यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्टेड हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो गया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पर पैसे वॉइस में बाई का यूज नहीं करना है। इंटरेस्टेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन इन, इंटरेस्टेड इन समथिंग, और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68 में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। नेक्स्ट है 69 है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। योर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे, सो यू डैश बेटर सी ए डॉक्टर। आपकी जो हेल्थ है डे बाई डे और खराब होती जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना है आप। तो यू डिड बेटर, यू वुड बेटर, शुड बेटर या हैड बेटर, क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा यू हैड बेटर, यानी आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक डॉक्टर को ये दिखा दें। पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन सेंस प्रेजेंट में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसमें। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स बोथ। कौन से शब्द का मतलब दोनों है, एक तो टॉलरेट और एक जानवर भी होता है वो, डियर, डियर, बियर या बियर। तो बियर मीन्स होता है आपका भालू, और बियर मीन्स होता है सहन करना। तो बियर मीन्स टॉलरेट भी हो गया, बियर और एक एनिमल भी हो गया। तो आज आपका ये टेस्ट पेपर हुआ कंप्लीट, आपसे अगले टेस्ट पेपर मिलेंगे। थैंक यू।